शासन के निर्देश पर सभी सरकारी कार्यालयों में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जा रहा है। कार्यालयों के मुख्य गेट पर स्थापित होने वाले कोविड हेल्प डेस्क पर थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था रहेगी तथा कार्यालय में आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों का नाम और पता भी नोट किया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो उसे परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके संबंध में SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। संक्रमण को देखते हुए शासन द्वारा ये आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत तहसील सदर में भी COVID-19 हेल्प डेस्क स्थापित की गई है, जिससे आने वाले लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए SDM सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा। इसमें जिस शासन के दिशा निर्देश अनुसार सभी कार्यालयों में सभी ऐसी जगहों पर जहां पर पब्लिक आती है वो उसके लिए कोविड हेल्प डेस्क के लिए बोला गया है। उसी शासनादेश के क्रम में हमने तहसील सदर में कोविड हेल्प डेस्क बनाया है। यहां पर थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर और पैडल सैनिटाइज़र लगाया गया है। जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएंगे सबसे पहले उनका टेम्परेचर मेजर किया जाएगा, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन कंटेंट और उसके बाद सैनिटाइज करके ही अंदर प्रवेश दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण से बचने के लिए इस तरीके की एहतियातन तौर पर हम काम कर रहे हैं और इसी क्रम में तहसील सदर में आज कोविड हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। अभी फरियादी पे अभी जनसुनवाई बंद है और बहुत ही स्पेशल कुछ केसेस में कुछ बहुत ही आकस्मिक और बहुत ही आवश्यक फरियादी हैं, इस तरीके के उनको आने दिया जा रहा है। कोविड हेल्प डेस्क से अब उनको टेम्परेचर मेजर करके और सैनिटाइज करके उनको फिर लाया जाएगा। ये बेसिकली सबके लिए है, यहाँ पे जो कार्य करने वाले कार्यरत हमारे कर्मचारी उनके लिए और जो बाहर से आने वाले उन लोगों के लिए भी है, सबकी सुरक्षा के लिए है। संक्रमण का ये खतरा कोविड का जो लगातार बना हुआ है, इसको मिलकर ही हमें हराना है।